संघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर, बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव को हिरासत में लिया गया है। जयपुर में आज राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का आंदोलन है और उससे पहले उपेंद्र यादव को हिरासत में ले लिया गया है। बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव को हिरासत में लिया गया। घर से बाहर आते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। दोपहर 1 बजे शहीद स्मारक पर आंदोलन होना था, कल रात से ही उपेंद्र के घर के बाहर पुलिस को तैनात किया गया था। ललित जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ललित, पहले ही उपेंद्र इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज विभिन्न मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी थी। छात्र जो बेरोजगारों के नेता हैं उपेंद्र यादव, उन्होंने चेतावनी दी थी, लेकिन कल रात 11 बजे से ही उपेंद्र यादव की आवाज पर भारी भीड़ जमा थी। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि शहीद स्मारक पर रवाना होने के लिए जैसे ही उपेंद्र यादव घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकलते ही भारी पुलिस जाब्ते ने उनको घेर लिया, और जब वो गाड़ी में बैठने लगे तो उनको पुलिस कर्मियों द्वारा जो जबरन है वह हिरासत में लिया गया है। रात से ही आप देख सकते हैं भारी पुलिस जाब्ता जो था वो उनकी आवाज के बाहर था, पूरी तरीके से एक रूप से छावनी बना रखी थी, लेकिन जब पुलिस प्रशासन ने उनके घर में घुसने की कोशिश की तो उनके मकान मालिक द्वारा उनको घर में प्रवेश नहीं दिया गया था, जिसके बाद से ही पिछले करीब 15 घंटों से पुलिस जाब्ता था वो उपेंद्र यादव के घर के बाहर ही इंतजार कर रहा था, और जैसे ही शहीद स्मारक पर रवाना होने के लिए उपेंद्र यादव बाहर निकले उनको हिरासत में ले लिया गया है। अभी फिलहाल उनको शिप्रापत थाने ले जाया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा ये नहीं बताया गया है कि उनको किस आरोप में या किस पहले के प्रकरण में हिरासत में लिया गया है, लेकिन जिस प्रकार से मांगों को लेकर बेरोजगार अपनी जो मांग उठा रहे थे, विभिन्न मुद्दों को लेकर मांग उठा रहे थे, पुलिस प्रशासन द्वारा इतना भारी जाब्ता आज तक कहीं पर भी नहीं देखा गया। जैसा कि पूरी गली को कहा भी गया था उपेंद्र यादव की तरफ से कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है, और जैसे ही वो घर से बाहर निकले हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।